पुणे के बक्साघाट फुटबॉल मैदान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सिद्धू कानू फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता का पहला भिड़ंत जमुई वर्सेस पूर्णिया टीम के बीच हुआ, जिसमें पूर्णिया टीम ने 2-1 से जीत हासिल की। आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष गौरव कुमार हेमरम ने बताया कि खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए इस तरह का आयोजन प्रतिवर्ष होते आ रहा है और इस वर्ष 23वां प्रतियोगिता आयोजित किया गया है, जिसका फाइनल 26 जनवरी को इसी मैदान पर खेला जाएगा। मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मैदान तक पहुंचे थे। हर साल जो है सिद्धू कानू टूर्नामेंट जो है ना कराया जाता है, और इसमें मेनली जो है ना हर एक साल हम लोग कराते हैं। 18 तारीख से शुरू करते हैं, 26 तारीख को फाइनल करते हैं, और फाइनल के दिन में जो है ना रंगारंग प्रोग्राम भी होता है। पिछले साल भी हम लोगों ने किया था और उसके पिछले साल भी किया था, और इस बार ये 23वां टूर्नामेंट है। काफ़ी दिनों से इस तरह का प्रोग्राम चलते आ रहा है। हाँ, इस तरह का प्रोग्राम ये काफ़ी सालों से चलता है। जो है ना लोगों के बीच में जागृति पैदा करना है ना, और लोगों का कल्चरल डेवलपमेंट में भी इसमें बात शामिल है, और ये जो है ना खेलकूद के माध्यम से बड़ा और कोई जरिया हो नहीं सकता था, इसीलिए हम लोग खेलकूद को एक माध्यम चुना है, जहाँ पर हम लोग आसपास के सारे लोग जो है ना उस दिन आ जाते हैं, और यहाँ पर कल्चरल इवेंट भी होता है, जिसके वजह से हमारा वो कल्चरल का जो है ना प्रमोशन होता है, और खेल को भी हम प्रमोट करते हैं। और इतना ही नहीं, जो खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हैं वो जो है कुछ खिलाड़ियों का जो है वो जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर भी सिलेक्शन होता है, और यहाँ से कुछ खिलाड़ियों का जिंदगी भी बनता है। कि जो बिहार सरकार का खेल कला संस्कृति मंत्रालय है, विभाग है, उससे भी आप लोगों को सहयोग मिले, ऐसा कुछ आप लोग चाहते तो हैं, प्रयास भी किए हैं, अभी उस तक अप्रोच नहीं हो पाया है ना, क्योंकि जो है ना बहुत सारी बातों का तो हमें भी जानकारी नहीं है कि कहाँ पर अप्रोच होने से सही होगा। कि हम लोग जैसे झील टोला में भी लोग खेलते हैं, तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही खेलते आ रहे हैं, और यहाँ भी हम लोग जो है ना इस चीज़ को खेल की भावना से खेल रहे हैं, है ना। अब बाहर सपोर्ट सरकार की ओर से मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं ले पाए। वो अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। वो पोल का वो खुट्टा गड़ जाएगा, इधर से लाइनिंग हो जाएगा, या फिर ये मैदान जो है इसका जो है राउंड अप करके मैदान को अगर सुरक्षित किया जा सके, घेराबंदी हो जाए, तो ये बहुत अच्छा। गैलरी हो जाए, पब्लिक दर्शक या टॉयलेट बाथरूम वगैरह सबका जो है, तो दूर का जो खिलाड़ी होगा ना उनके लिए ये प्रॉब्लम है, उनको आने के बाद यहाँ स्टे का प्रॉब्लम होगा। यदि उसका रूम वगैरह सब बनाया जाएगा तो उनका रहने का और उस सबका बंदोबस्त किया जाए। आप लोग की जो कमेटी है, क्या उसमें इस तरह का प्रोजेक्ट है कि आने वाले दिनों में इस तरह का आप लोग कुछ कर सकते हैं? हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट का भी और दूर का भी खिलाड़ियों को आमंत्रित करें, तो उसमें जो है ना और चीज़ों को जो है ना सिस्टमेटाइज करने का प्रयास उसको डेवलप करेंगे। हाँ। सीमांचल का गौरव जैसी हो जैसी व्हाट अ फ्यूचर। पटना के बाद अब पूर्णिया में एलजी का ब्रांडेड शोरूम, ओवन, फ्रिज, टीवी एवं एसी और मनोरंजन का खजाना। एसडी टीवी, 2D और 3D स्लिम टीवी और बदले सिनेमा की तस्वीर 3D में, आपको बनाए स्मार्ट। AK ट्रेडर्स, जमा मस्जिद रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। विश्व का सबसे ब्रांडेड कंपनी सोनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया में, सीमांचल का मात्र इकलौता शोरूम पूर्णिया के जिला स्कूल रोड में, जहां आपको मिलेगा सोनी कंपनी का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ साथ सभी तरह के मनपसंद प्रोडक्ट्स, जैसे प्लेस्टेशन, वीडियो गेम, PSP4, हेडफोन, LED, मोबाइल, ब्लूटूथ, हैंडीकैम कैमरा, स्टील कैमरा, स्मार्ट वॉच, DVD, स्पीकर एवं तमाम एसेसरीज, वो भी बेहतरीन सर्विस सेवा के साथ। तो आज ही मनपसंद प्रोडक्ट्स के लिए संपर्क करें सोनी का एक्सक्लूसिव शोरूम, जिला स्कूल रोड, पूर्णिया। बुकिंग एवं जानकारी के लिए हमारा नंबर है 8539880786।